हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। होंडा ने अपनी एक 200cc की एडवेंचर बाइक को लॉन्च कर दिया है। पहले ऐसा न्यूज़ निकल कर आ रहा था कि इस बाइक का नाम NX200X है, बट ये फाइनल हो चुका है कि इस बाइक का नाम NX200X नहीं है। होंडा ने आज 19 अगस्त 2021 को अपनी एक 200cc की एडवेंचर बाइक को लॉन्च किया है, जिसका नाम CB200X रखा गया है। तो ये आपको पता चल गया है कि CB200X इस बाइक का नाम होने वाला है। तो जो भी अगर आपके माइंड में चल रहा है कि NX200X भी है, तो आप वो माइंड को निकाल दें, वो ख्याल को निकाल दें, क्योंकि ये NX200 को ही होंडा ने CB200X नाम दिया हुआ है। तो आपको होंडा की इस 200cc एडवेंचर बाइक में क्या कुछ नया फीचर देखने को मिलने वाला है, प्राइस क्या होने वाला है, कौन कौन से कलर में इसको लॉन्च किया गया है और क्या कुछ इसमें नया ऐड किया गया है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, होंडा CB200X के बारे में जानने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये जो बाइक है CB200X, ये हॉर्नेट 2.0 पे ही बेस्ड है। इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें आप देखेंगे वो हॉर्नेट 2.0 का ही आपको देखने को मिलेगा, उसी से मिलता जुलता आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। थोड़ा बहुत आपको इसमें चेंज देखने को मिलने वाला है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा कि क्या कुछ इसमें चेंज दिया गया है। बाकी जो आप एक मान के चलिए कि ये हॉर्नेट 2.0 का ही एक नया वर्सन इसको लॉन्च किया गया है। सबसे पहले बात मैं आप लोगों को बता दूँ, होंडा की जो CB200X है, ये प्रॉपर एडवेंचर बाइक या टूरिंग बाइक आप इसको नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, होंडा की पहले की जो बाइक है CB500X और अफ्रीका ट्विन, ये एक प्योर प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग बाइक इसको बोलते हैं। बट जो कंपनी ने अभी लॉन्च किया है, इसको एक एडवेंचर टूरिंग टाइप के बोल के लॉन्च किया है, बट आप इससे उतना एडवेंचर का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना आपको CB500X और अफ्रीका ट्विन से देखने को मिलता है। तो इसमें आपको हॉर्नेट 2.0 जैसा ही ऑल LED का सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट में भी आपको LED हेडलाइट और टेल लैंप में भी आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। वी शेप में इसका हेडलाइट दिया गया है। ब्लैक कलर का आपको विंडशील्ड देखने को मिलेगा, विंड स्क्रीन देखने को मिलेगा। फ्रंट में जो फेयरिंग है उसको काफ़ी हैवी, जो बॉडी है उसको काफ़ी हैवी फेयरिंग दिया गया है। थोड़ा सा ये आपको हॉर्नेट से अलग देखने में लगेगा और ग्राफिक्स भी इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। और साथ ही इसका जो हैंडल बार है, ये भी थोड़ा सा वाइडर, थोड़ा चौड़ा दिया गया है और ये थोड़ा सा ऊपर साइड में है, अपराइट साइड में, जिससे आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोजिशन मिल पाए। और ट्यूरिंग में ऐसा होना भी ज़रूरी है। 200cc के हिसाब से ये लगभग फिर भी ठीक ही है, क्योंकि इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा ऊंचा देखने को मिलता है, ऑफ रोड टायर भी देखने को मिलता है, सीट में थोड़ा सा बहुत कुशनिंग ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, और जो ये हैंडल बार है उसमें भी आपको अपराइट देखने को मिल रहा है। तो ये एक अब मान के चलिए कि 200cc के हिसाब से ठीक ठाक आपको एडवेंचर का मज़ा देखने को मिल जाएगा। वहीं आगे अगर आप चले तो हैंडल बार में आपको नकल गार्ड देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको टर्न इंडिकेटर और ब्लिंकर भी देखने को मिल जाता है। और भी कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको स्प्लिट स्टाइल सीट देखने को मिल जाएगा, स्प्लिट पिलियन का ग्रेवल दिया गया, बेटर कंफर्ट सीट दिया गया, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला आपको इसमें फीचर देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, नेविगेशन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं कुछ और चीज़ें की बात करें तो हॉर्नेट 2.0 जैसा ही आपको इसमें गोल्डन कलर का फ्रंट फोर्क देखने को मिल जाएगा, जो कि USD फोर्क सस्पेंशन इसमें देखने को मिलता है। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। तो ये कुछ जो है फीचर वो आपको हॉर्नेट 2.0 जैसा भी देखने को मिलता है। साथ ही आपको डुअल डिस्क इसमें देखने को मिलेगा और साथ ही फ्रंट में आपको सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है। वहीं इंजन की बात करें तो हॉर्नेट 2.0 वाला ही सेम आपको इंजन और परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। 184.4cc का एयर कूल 4-स्ट्रोक SI VH6 वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो 17 BHP का पावर आपको 8500 RPM पे जनरेट कर देती है। 16.1 Nm का आपको 6000 RPM पे पिक टॉर्क जनरेट कर देती है। साथ ही इस बाइक में आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है और कंपनी भी इसमें कुछ एसेसरीज आपको रिले एसेसरीज ऑफर करती है, जिससे आप इस बाइक को थोड़ा बहुत और मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको होंडा की CB200X में फ्रंट और रियर दोनों में आपको ऑफ रोड टायर देखने को मिलते हैं, जो कि डुअल पर्पस ऑफ रोड टायर दिए गए हैं। फ्रंट में आपको 110x70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, रियर में 140x70 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। वहीं डिस्क ब्रेक की डायमेंशन की बात करें तो फ्रंट में जो है 276mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसके अलावा इस बाइक के इंजन की सेफ्टी के लिए अंडर इंजन कॉल देखने को मिलता है, साथ ही इस बाइक में अपसेट एग्जॉस्ट दिया गया है और एलॉय व्हील आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। जो इंजन का कॉल है वो आपको मेटल में यह है या फाइबर में है, यह अभी क्लियर नहीं हो पाया है, बट जो बाइक जब शोरूम में आ जाएगी उस टाइम में वर्क अराउंड वीडियो के जरिए मैं आपको बता दूंगा कि इस बाइक में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, मेटल है या फिर फाइबर देखने को मिलता है। अगर मेटल दिया जाएगा तो ये आप मान के चलिए कि इसको और भी मजबूती प्रदान हो जाएगा। तो अगर आप
ऑफ रोडिंग भी करेंगे, कोई बड़ा सा पत्थर भी लग जाता है तो आपका इंजन सेफ रहेगा, क्योंकि मेटल का रहेगा तो वो इंजन पे जाने से रोक लेगा। अगर फाइबर का होता है तो वो टूट जाता है। तो फाइबर तो आपको ऐसे ही पता है कि थोड़ा कमज़ोर होता है मेटल के हिसाब से। तो ये शोरूम पे बाइक को आने दीजिए, उसके बाद मैं वर्क अराउंड के थ्रू आपको ये चीज़ें अपडेट कर दूंगा। वहीं होंडा के न्यू सी बी 200X में आपको अप राइट हैंडल बार देखने को मिलता है, इंजन क्यूलसिस देखने को मिलेगा, हजार्ड का स्विच देखने को मिल जाता है, और जो की है वो आपको पेट्रोल टैंक पे देखने को मिलता है, ऑफ रोड टायर देखने को मिल जाता है। वहीं इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका ओवरऑल लेंथ 2035 mm है, विड्थ 843 mm है, हाइट 1248 mm है, व्हील बेस 1355 mm है, कार्ब वेट 147 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 167 mm है, सीट हाइट 810 mm का दिया गया है, और जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर का आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों इसका जो सीट हाइट है वो 810 mm है, तो अगर आपका हाइट 5.4 है तो आप इसको कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। 5.4 के नीचे जो है 5.3, 5.2 उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा इसको राइड करने में, क्योंकि 810 mm जो होता है वो अगर आप इनसे बिलो है, 5.4 से बिलो है आपका हाइट है, तो आप दोनों पैर एक साथ इसमें नहीं बैठा पाएंगे, थोड़ा बहुत आपको मशक्कत करना पड़ सकता है। वहीं इस बाइक के कलर के बारे में बात करें तो होंडा सी बी 200X में आपको तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, रेड, ब्लैक और सिल्वर। ये तीन कलर में होंडा सी बी 200X को लॉन्च किया गया है। वहीं इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 1,44,500 रुपये है। वहीं दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बाइक का बुकिंग भी स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं, और इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बाइक है ये सारे शोरूम में आपको देखने को मिलने वाला है, कुछ हफ्तों में ये सारे शोरूम में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि जो होंडा की जो बाइक है वो जो प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है वो होंडा बिग विन में रखती है, जो होंडा का बिग विन है उसमें ये बाइक को रखते हैं। जैसे कि आप सीबी को देखें, सीबी 350 आरएस या सीबी जो भी है, तो ये सारे चीज़ आपको होंडा बिग विन में देखने को मिलता है, बट जो होंडा की सीबी 200X है इसको सारे शोरूम में देखने को मिलने वाला है। आप जो लोकल शोरूम होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, बिग विंग में भी देखने को मिल जाएगा, यानी कंपनी इसको प्रीमियम नहीं मानती है, इसके वजह से ये आपको बिग विंग में देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने नज़दीकी शोरूम में भी इसको विजिट कर सकते हैं। तो आगे इसके कंपेयर वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं होंडा हॉर्नेट 2.0 और सीबी 200X में क्या डिफरेंट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए राइड विद बाइक।